तो कैसे हो आप लोग? वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ एक्सप्लोरिंग हाइलाइट्स। आज सिंगापुर से निकलने का दिन है और हमारा होटल चेकआउट करके हमारे पुराने होटल वी लैवेंडर के पास आ गए हैं, जिसके पास हमें ब्रेकफास्ट करना है। तो हमारा होटल बॉस से चेकआउट करने के बाद हम लोग वी लैवेंडर होटल के पास आ गए हैं, क्योंकि MRT का जो स्टेशन है लैवेंडर का, वो वी लैवेंडर होटल के जस्ट नीचे है। अभी हम लोग आसपास के जो स्ट्रीट्स है वहाँ पे वॉक कर रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे वॉक करते हुए। अच्छा है आज धूप खिला हुआ है, वरना अगर बारिश होती है तो लगेज के साथ साथ एक छतरी एक्स्ट्रा पकड़ना पड़ता है। अगर आप लोग इंडिया से सिंगापुर आ रहे हो तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा ये दोनों होटल जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। एक वी लैवेंडर जो कि बहुत हाईली रिकमेंडेड है, और दूसरा है होटल बॉस, जहाँ पे अक्सर बहुत सारे इंडियंस रुकते हैं। लैवेंडर MRT के जस्ट ऊपर वी लैवेंडर होटल होते हुए इसे और स्पेशल बनाता है, और आसपास ही बहुत सारे खाने के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। अभी हम लोग हमारे खाने के लिए कोई एक रेस्टोरेंट खोज रहे हैं जहाँ पे आज सुबह का ब्रेकफास्ट हम लोग कर सकें। इन गलियों में घूमने का अलग ही मज़ा आ रहा है। बहुत ऊंची-ऊंची इमारतें हैं, अलग अलग फ्लैट सिस्टम्स हैं, और ऐसा लगता है कि बहुत छोटे छोटे फ्लैट्स होंगे। और नीचे यहाँ पे पुलिस कार और वैन्स मौजूद है, जो कि होटल के जस्ट बगल में ही रखे हुए हैं। पता नहीं, आसपास शायद कोई पुलिस स्टेशन होएगा। तो यहाँ पे एक चक्कर लगाना हो गया हमारा। अभी टोस्ट बॉक्स में चल रहे हैं कुछ नाश्ता करने के लिए। यहाँ पे इंग्लिश ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मौजूद है। मेन्यू कार्ड को देख के हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि आज ब्रेकफास्ट में ऑर्डर क्या किया जा सकता है। आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे कॉम्बो के भी ऑप्शंस मौजूद है, तो अगर आप लोग आ रहे हो तो अपने हिसाब से मंगा सकते हो। तो अभी हम लोग ने मंगाया है एक कप कॉफ़ी, 2 हाफ बॉइल्ड एग और टोस्ट। तो अंडा फोड़ने में हम लोग को थोड़ा बहुत स्ट्रगल हुआ। यहाँ पे चम्मच से निकाल के हम लोग अंडा फोड़ रहे हैं और अचानक से धप से गिर गया। खैर, ब्रेकफास्ट बड़ा टेस्टी था। तो अभी हम लोग चेकआउट करके होटल में फिर टोस्ट बॉक्स में खाना खाया और वो अपनी वीडियो देखा। अभी हम लोग आ गए हैं लैवेंडर स्टेशन में, जो कि MRT स्टेशन है। यहाँ से चांगी एयरपोर्ट हम लोग जाएंगे। तो डायरेक्ट ट्रेन तो नहीं है, ताना मेरा करके एक स्टेशन है जहाँ से ताना मेरा टू चांगी एयरपोर्ट शटल सर्विस टाइप का, मेट्रो ही शटल सर्विस टाइप का चलता है, तो वो वाला लेंगे हम। तो MRT में मैंने और व्लॉग नहीं किया। अभी हम लोग चांगी एयरपोर्ट स्टेशन पर पहुँच चुके हैं वाया ताना मेरा होते हुए। चांगी एयरपोर्ट खुद में ही एक बहुत बड़ा दर्शनीय स्थल है, तो आप लोग को बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे चांगी एयरपोर्ट में जहाँ पे आप लोग घूम सकते हो, और लगभग 5-6 घंटे तो आराम से ऐसे बीत जाते हैं। यही कारण है कि हमारे शाम की फ़्लाइट के लिए हम लोग सुबह सुबह ही चांगी एयरपोर्ट आ गए हैं। ये सामने जो दिख रहा है ये एक स्काई ट्रेन है, जो कि 3 बॉगी का ही रहता है, और टर्मिनल 1, 2, 3 के बीच में ये चलते हैं। चांगी एयरपोर्ट में टोटल 3 टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3 में अलग अलग जगह है जहाँ पे आप लोग घूम सकते हो। तो अभी हम लोग आ गए हैं ज्वेल वाटरफॉल के पास। सिंगापुर की एक स्पेशलिटी है कि ये बहुत ज़्यादा नेचर लविंग है। हर जगह पेड़ पौधों के साथ साथ अलग अलग मैनमेड वाटरफॉल्स भी मौजूद हैं। हाँ, ये एक मैनमेड वाटरफॉल है। ये इतना खूबसूरत है कि हमने यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लिए।
ये बेसिकली चांगी एयरपोर्ट का सबसे बिगेस्ट अट्रैक्शन है और इसके ऊपर ये स्काई ट्रेन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अलग अलग तरीके के पौधे मौजूद हैं यहाँ पे, पूरा एक नेचर लवर फॉरेस्ट बनाया गया है यहाँ। बाहर बहुत ही कड़ी धूप है पर यहाँ का तापमान बहुत ठंडा है, शायद इसीलिए ये पेड़ पौधे इतने अच्छे और शानदार रह रहे हैं। बेसिकली ये गार्डन T3 के आसपास मौजूद है, तो अगर आप लोग T3 पे हो तो ये गार्डन ज़रूर विज़िट करना। चांगी एयरपोर्ट में और भी बहुत सारे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ मौजूद हैं, जैसे कि फ्री में सिनेमा देखना, बटरफ्लाई पार्क इत्यादि इत्यादि। तो अगर आप लोग चांगी एयरपोर्ट आ रहे हो तो ये सब का लुफ्त ज़रूर उठाना। अभी हम लोग की फ़्लाइट का वक्त हो गया है तो हम लोग वहाँ पर नहीं जा पा रहे। वाटरफॉल के पास ही कैसे हम लोग का टाइम बीत गया हम लोग को पता ही नहीं चला। हम लोग अभी T3 पे आ चुके हैं, यहाँ से हम लोग का अगला फ्लाइट है। आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि चांगी एयरपोर्ट वर्ल्ड में वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट है और यहाँ पे तकरीबन बहुत सारे पैसेंजर्स हमेशा यातायात करते हैं। तो इतने सारे पैसेंजर्स को अटेंड करने के लिए सिर्फ इंसानों से तो चलेगा नहीं, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे मशीनों को भी काम पे लगा रखा है। ये सारी मशीनें आपको आपका पासपोर्ट वगैरह चेक करके बोर्डिंग पास देती है। यहाँ पे मैं अपने पासपोर्ट दिखा के बोर्डिंग पास ले रहा हूँ। लगेज सबमिट करके हम लोग इमिग्रेशन की तरफ बढ़ गए। इमिग्रेशन के लाइन में घुसने से पहले ये हमें एक छोटा सा बगान दिख गया, जिसके बीचों बीच रखा हुआ ये खूबसूरत रिक्शा कोलकाता की याद दिला रहा है। कोलकाता में और बांग्लादेश में ऐसे रिक्शा रहते हैं। सिंगापुर में इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत ही स्मूथ होता है। ये सारे जो मशीन्स हैं यहाँ पे आप ऑटोमेटिक खुद ही अपना पासपोर्ट दिखा के और अपना वेरिफिकेशन करके इमिग्रेशन कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत टेक्निक है। और हमारे बोर्डिंग पास के अनुसार हमें D44 पे जाना है। इमिग्रेशन कंप्लीट करते ही आपको लुई विटों का एक बहुत ही अच्छा शोरूम टाइप का दिखेगा और उसी के पास ये बोर्ड के अनुसार D44 राइट साइड में है, तो हम लोग अभी राइट साइड की तरफ चलते हैं। इधर ही मछलियों का एक अच्छा सा छोटा सा पॉन्ड टाइप का दिख रहा है, बहुत सारी मछलियाँ हैं, देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो फ्लावर्स है और पत्ते हैं वो रियल है। और अगर आपको ब्रांडेड सामान पसंद है तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के कॉस्मेटिक या कपड़ों की दुकानें हैं, जहाँ पे आप लोग जी भर के पैसा खर्च कर सकते हो। हमारे फ्लाइट का नाम फ्लाई स्कूट है, जो कि हमने पहली बार सुना था। ये शायद सिंगापुर के आसपास ही चलता है। अभी हम लोग 7-Eleven आ चुके हैं, जो कि एयरपोर्ट के अंदर ही है। अलग अलग खाने के डिशेस हैं यहाँ पे। इधर जो ट्रैवल में यूज्ड बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वो आप खरीद सकते हो, बहुत ही रीजनेबल दाम है इन सब के। यहाँ पे बंस है अलग अलग फ्लेवर्स के, और हमें भूख तो लगी है, कुछ बंस लेना पड़ेगा। और यहाँ पे ओरियो और बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स के बिस्किट्स और चॉकलेट्स मौजूद हैं। तो आपको बता दूँ, हमने वहाँ से बन लिया, हम लोग बैठ के बन खा भी लिए और हमारा गेट भी चेंज हो चुका है। तो D49 से अभी हम लोग का बोर्डिंग हो रहा है, जो कि फ्लाई स्कूट में है। फ्लाई स्कूट में अभी अभी पता चला हमारा टिकट बिजनेस क्लास में है, जो कि मेरे लिए भी एक अच्छा सा सरप्राइज था। एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग ने लगेज को इंक्लूड करने के लिए ज़्यादा पैसे दे के एक टिकट तो लिया, लेकिन वो बिजनेस क्लास का टिकट ले लिया, ये हमको अभी पता चल रहा है। अगर आप लोग सिंगापुर से बाली वगैरह कहीं जा रहे हो तो आपको लगेज अलग से इंक्लूड करना पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ हैंड लगेज का ही उन लोग चार्ज करते हैं। चेक इन लगेज के लिए मैंने एक्चुअली एक्स्ट्रा दिया था। खैर जो भी हो, ये मेरे लिए और अर्पिता के लिए फर्स्ट बिजनेस क्लास एक्सपीरियंस है। उतना खास ज़रूर नहीं है,
लेकिन फर्स्ट होने के नाते हमें बहुत अच्छा लगा। इन आरामदायक और चौड़े सीट पे बैठ के बहुत ही अच्छा लग रहा है। साइड हैंडल के अंदर ही इनका फूड ट्रे छुपा रहता है, जो कि इस तरह से निकाल के हम लोग, अगर उन लोग ने खाना दिया तो हम लोग खा सकते हैं इसके ऊपर। हमारे प्लेन का गेट तो चेंज हुआ ही, हम लोग ने सीट भी चेंज कर लिया प्लेन के अंदर। हम लोग विंडो सीट के लिए अटेंडेंट से बात किए तो उन्होंने विंडो सीट अलॉट कर दिया। और ये है उनके खाने का मैगज़ीन, देखते हैं क्या क्या पसंद आता है। इनमें से ही हमें एक ऑप्शंस बताना है कि हमें क्या चाहिए। तो खाना यहाँ का फ्री है और हमें अपने ऑप्शंस के हिसाब से हमें मंगाना पड़ेगा कि क्या हमको खाना है। प्रेफरेंस आप बहुत अलग अलग तरीके का भी रहता है, वेज नॉन वेज, तो उनमें से भी हमने चिकन का प्रेफरेंस देख रहे हैं और हॉट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक में कुछ एक स्पेशल, तो उन्हीं हिसाब से हम लोग चॉइस करेंगे। और इस मैजिकल विंडो, पहली बार ऐसा विंडो देख रहा हूँ मैं फ्लाइट में, जो कि बटन से ये ग्रे आउट हो रहा है। वरना इंडिया में जितने भी डोमेस्टिक एयरवेज में हम लोग ने वो शटर सिस्टम ही देखा हुआ है। हमारा फ्लाइट टाइम लगभग 2.5 आवर्स का है और इन आरामदायक सीट्स में मुझे तो थोड़ा रेस्ट लेने का मन कर रहा है, बहुत थका हुआ हूँ। हमारा फ्लाइट टेक ऑफ कर चुका है और सिंगापुर सिटी यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, जो कि इस विशाल समुंदर से घिरा हुआ है। कोई नहीं, देखते देखते हमारा खाने का ट्रे भी आ चुका है, तो यहाँ पे पैकेटेड ड्रिंकिंग वाटर के साथ हमको आइसक्रीम, जो कि इस क्यूट से कप में मिला हुआ है। और ये ऑर्डर आइसक्रीम का नाम पहली बार सुना है, ये डार्क चॉकलेट का है। और अभी इस चिकन थाई ब्लैक पेपर वाइट राइस का मील हमें मिला हुआ है और इसको ओपन करके देखते हैं। देख के तो कुछ ज़्यादा ही पौष्टिक टाइप का लग रहा है। इसमें एक चिकन ब्रेस्ट दिख रहा है मुझे, जो कि वाइट राइस और सेसमे सीड्स के साथ है। और इधर गाजर है दो बॉइल्ड और ब्रोकली। और साथ ही हमें मिला हुआ है 30 MB का डेटा वाईफाई यूज़ करने के लिए वाउचर। खाने के बाद थोड़ा रेस्ट लेके हम लोग अभी उठ गए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें हमारा वीडियो। हमारे चैनल एक्सप्लोरिंग हाइलाइट्स को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ये था हमारा लास्ट व्लॉग सिंगापुर का। और आपको कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं, ये कमेंट करके ज़रूर बताना हमें। जल्द ही मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अलविदा।